हेलो फ्रेंड, फिर से एक वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास एक स्क्रू ड्राइव वाला ELGI कंप्रेसर है। तो इस वाला को जो कंप्रेसर है, इसका मैक्सिमम प्रेशर है 7 kg का है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, ये जो हमारा एयर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर जो होता है, इसका पैनल इसी तरह के होता है। और इसका जो मोटर है, इसका मोटर हमारा क्या 3 kW वाला इसका मोटर है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो कंट्रोल पैनल है, इसमें हमारा जो कंट्रोल वायरिंग है, ये आप ड्रॉइंग देख के आसानी से कर सकता है। लेकिन इस जो कंप्रेसर है, मैं आप लोग को आसान तरीका से समझाऊंगा। जैसे कि आप लोग नीचे में देख रहे हैं, ये जो है, ये हमारा के 3 फेज सप्लाई है, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो उधर से सप्लाई हमारा, ये हमारा के स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर का कनेक्शन है। क्योंकि मोटर हमारा पहले जब रनिंग होगा, उसी टाइम पे हमारा क्या स्टार कनेक्शन में चलेगा। थोड़ा टाइम का बाद, जैसा हम टाइम सेटिंग करके रखेगा, तो उसका बाद ये हमारा क्या डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा लोड जब चलेगा, उसी टाइम पे हमारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार में ये कनेक्शन है, 3 फेज सप्लाई हमारा, जैसा कि देख रहा है, ये हमारा क्या स्टार वाला कॉन्टेक्टर है, उसका बाद हमारा एक मेन कॉन्टेक्टर है, उसका बाद हमारा एक डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें से हमारा लूपिंग करके जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है, उसमें हमारा सप्लाई आ गया है, जैसा ऊपर में आप लोग देख रहे हैं। उसका बाद नीचे में हमारा क्या आउटपुट हुआ है, आउटपुट में देख रहा है, इधर पीछे में हमारा लिखा है, जैसा U2 है, V2 है, W2 है। तो ये हमारा क्या आउटपुट जा रहा है, और ये हमारा क्या मेन कॉन्टेक्टर जो है, बाद में हमारा क्या जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है वो छोड़ देता है, उसका बाद हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है वो पिकअप रहता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमारा 6 वायर जो है, ये आउटपुट हो रहा है, वो हमारा मोटर में जा रहा है। जैसे कि इस साइड में जो देख रहा है, ये हमारा क्या W1 है, V1 है और U1 है, ये हमारा मोटर में जा रहा है 3 वायर। और इस वाला जो 3 वायर, ये भी हमारा मोटर में जा रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारा स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर में कैसे कनेक्शन होता है और कैसे होल्डिंग होता है, उसका वीडियो हमारा चैनल पे है, आप जाके उसमें देख सकता है। तो उसका बाद क्या हो रहा है, जो ऊपर में आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा क्या कंट्रोल वायरिंग है। जैसा कि सभी जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इसमें हमारा कॉयल को पिकअप होने के लिए सप्लाई देना पड़ता है। जैसे कि हमारा A1 और A2 टर्मिनल होता है, तो इसमें हमारा सप्लाई जाता है। तो इसका बाद इसका सप्लाई जो है, हमारा जो पुश बटन रहता है, जैसा हमारा कंप्रेसर को ऑन करने के लिए पुश बटन है, उधर से हमारा इस वाला कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ रहा है। और आगे जो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये जो हमारा 2 ट्रांसफार्मर लगा है फ्रेंड्स, इसमें क्या हमारा एक डिस्प्ले वाला सिस्टम दिया गया, जिसपे हमारा ये डिस्प्ले का थ्रू ऑपरेशन होता है। तो ये जो डिस्प्ले है, इसमें हमारा 24 वोल्ट इसमें सप्लाई जरूरत है। तो इसीलिए इस वाला हमारा 2 ट्रांसफार्मर है, एक हमारा क्या है 415 वोल्ट इसमें इनपुट हो रहा है, इसमें से एक हमारा क्या 230 वोल्ट आउटपुट निकल रहा है। वो क्या क्या हमारा जो अलग अलग जो कॉन्टेक्टर है, इसमें हमारा क्या 230 वोल्ट वाला कॉयल सप्लाई है, इसीलिए हमारा क्या एक ट्रांसफार्मर लगाया है हमारे कॉन्टेक्टर को सप्लाई देने के लिए। और एक जो ट्रांसफार्मर है, ये जो आप लोग डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले में हमारा 24 वोल्ट सप्लाई देने के लिए, इसीलिए इस वाला जो कंप्रेसर है, इसमें हमारा 2 ट्रांसफार्मर यूज है। उसका बाद ये जो MCB देख रहे हैं, ये MCB, ये जो हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले है, इसका सप्लाई किया है। तो फेज मॉनिटरिंग कंप्रेसर में मैं इसका पहले वीडियो बनाया था, फेज मॉनिटरिंग रिले कैसे कनेक्शन होता है, तो वो आप हमारा चैनल पे जाके देख सकता है। तो फेज मॉनिटरिंग रिले, ये वाला जो देख रहे हैं, ये हमारा फेज मॉनिटरिंग रिले है। फेज मॉनिटरिंग रिले कैसे काम करता है, इसमें हमारा सेफ्टी डिवाइस है, मतलब कोई हमारा फेज फेल्यूअर होगा तो ये हमारा इंडिकेशन देगा, तो अब हमारा क्या कंप्रेसर चलेगा नहीं। ये जो हमारा कॉन्टेक्टर देख रहे हैं और ये जो हमारा ओवरलोड रिले देख रहा है, ये जो मैं पहले एक वीडियो बनाया था कंप्रेसर को कैसे मेंटेनेंस करना है, वो भी मैं आप लोग को बताया था। इसमें जो गर्म हवा फेंकने के लिए हमारा एक फैन लगाया गया है, तो जो फैन चलता है कंप्रेसर में, जो हमारा कूलिंग करने के लिए जो फैन लगा है, वो फैन हमारा इस कॉन्टेक्टर का आउटपुट में चल रहा है, जिसमें कि हमारा लिखा है W, V और U, मतलब ये भी हमारा 3 फेज मोटर है। जो हमारा फैन लगा है, वो भी हमारा 3 फेज मोटर है, तो उसमें हमारा कनेक्शन हुआ। और ये जो देख रहे हैं, ये हमारा कंट्रोल टर्मिनल है, तो जिधर से हमारा वायर आके ये जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले को ऑपरेट करने के लिए इधर हमारा कनेक्शन हुआ है। तो इसी तरीके से हमारा कनेक्शन हुआ है। और जो हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर को प्रॉपरली बंद करने के लिए इधर देख रहे हैं इमरजेंसी स्टॉप लगा है, वो कि हमारा के बाहर से हम ऑपरेट करता है, तो ये आप पहले प्रेस कर देगा तो हमारा जो कंप्रेसर है चालू कंडीशन पे रहेगा,
तो तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन एक आप कब बंद करेगा, जब हमारा कोई इमरजेंसी आ जाएगा तब इसको आप प्रॉपरली बंद करने का, नहीं तो इसमें क्या है, ये जो हमारा कंप्रेसर है इसमें हमारा एक डिस्प्ले लगाया गया है, तो इसमें हमारा क्या ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए और रिसेट करने के लिए बटन दिया गया है। इधर से ही हम ऑपरेट कर सकता है, इधर से हम ऑपरेट करेगा तो हमारा जो कंप्रेसर है उसका लंजिबिटी बढ़ जाएगा, तो उसका हिसाब से आप ऑपरेट करने का। तो जो हमारा एयर कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर में देख रहे हैं ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें कुछ कंट्रोल वायरिंग है, और जो मैं आप लोग को बताया था इसमें हमारा स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन है, वो स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर में कैसे कनेक्शन करना है, ओवरलोड रिले कैसे कनेक्शन करना है, उसका वीडियो तो पहले से है हमारे चैनल पर, आप जाके स्टार डेल्टा कॉन्टैक्टर कैसे कनेक्शन करना है वो आप वीडियो देख लेने का। इसी तरीके से हमारा जो एयर कंप्रेसर है उसमें कनेक्शन है, क्योंकि इसका जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग देख के आप आसानी से कनेक्शन कर सकता है। तो मैं आप लोग को आजकल इसका जो प्रैक्टिकल इसमें कैसे कनेक्शन है एयर कंप्रेसर वो मैं आप लोग को दिखाया, तो अभी मैं इसको थोड़ा ऑन करूंगा, ऑन करके आप लोग को थोड़ा दिखा दूंगा कैसे हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर जो है पिकअप हो रहा है बाद में। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारा जो कंप्रेसर है वो अभी चालू हो गया, तो जैसा मैं आप लोग बोल रहा था ये हमारा क्या स्टार वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ये अभी छोड़ दिया है, हमारा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कंटिन्यू पिकअप है। तो इसी तरीके से हमारा जो कंप्रेसर है वो चलता रहता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा मोटर अभी चल रहा है, तो अभी हमारा जो कंप्रेसर है इसको बंद करना है, तो बंद करने के लिए ये जो हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले में हमारा एक रेड वाला का बटन दिया ऑफ करने के लिए, इसको हम जैसे ऑफ प्रेस करेगा देख रहा हमारा स्टॉप बिजी आ गया, मतलब थोड़ा टाइम का बाद इसमें टाइम सेटिंग है, थोड़ा टाइम का बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप इमरजेंसी स्टॉप मार देगा ये तुरंत हमारा कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा। देख रहे अभी हमारा जो तीनों कॉन्ट्रैक्टर है ये हमारा बाहर है, मतलब इस जो कंप्रेसर है इसी तरीके से, मतलब पहले हमारा स्टार में चलता है, उसका बाद थोड़ा टाइम के बाद जैसा हम टाइम सेटिंग करके रखा है वो डेल्टा में चालू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम स्क्रू टाइप वाला एयर कंप्रेसर है, ये हमारा ELGI कंपनी का कंप्रेसर है, तो इसी तरीके से ये काम करता है। इस कंप्रेसर में जो हमारा इलेक्ट्रिक पैनल होता है, इसका बारे में आप लोग को सवाल रहेगा तो हमारा कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना तक है फ्रेंड्स, अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।